नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम एक नए तरीके से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मूली के पराठे कैसे बना सकते हैं वो बताते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक से मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और मूली के पराठे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो सबसे पहले तो मूली का हम ऊपर से छिलका निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम मूली का छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ऊपर का छिलका निकल जाता है मूली का। तो दोस्तों, बहुत ही नए तरीके से बनाएंगे हम मूली के पराठे और घर में सभी मेंबरों को पसंद आएंगे। और सर्दियों में तो पराठे सभी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो मैंने छिलका निकाल लिया है, अब आगे पीछे का हिस्सा हम निकाल देते हैं। और अब इसको हमें कद्दूकस करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो हम दोनों मूलियों को अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से भी दोस्तों कद्दूकस हो जाते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब इसका पानी हमें निकाल लेना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है इसमें मूली में। और मूली के पानी को हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं डालना है। क्योंकि मूली का पानी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, तो इसलिए हमें आटे में लगाना है। तो ये देख सकते हैं मूली का इतना पानी निकल चुका है। और ये मैंने मूली का पानी निकाल करके इसको मूली के बैटर को तैयार कर लिया है। और ये मैंने पैन लिया है मसाला तैयार करने के लिए। तो इसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालना है सबसे पहले। और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे इस टाइम में। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। और ये मैंने लिए 1 चुटकी भर हींग। और ये मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन मैंने फुल 1 चम्मच ली है, क्योंकि मूली के पराठे में अजवाइन बहुत खास होती है। अजवाइन से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज लिया है। तो इनको भी हम तीनों को एक साथ में ही डाल देंगे। और इनको डालने के बाद में 1 से 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से हम पका लेंगे, ताकि जो हमारे प्याज हरी मिर्ची हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में। तो देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा ब्राउन हो चुका है। तो प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। एक बार प्याज को हम अच्छे से मिक्स भी कर लेते हैं। क्योंकि प्याज अगर आपके अच्छे से पकेंगे नहीं तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, उसमें जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आएगा। तो प्याज को हमें हल्का सा पकाना है। तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है और प्याज हमारे अच्छे से पक भी चुके हैं। तो पराठे के लिए हमें इसी टाइप के प्याज को भूंजना है। और अब मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो सभी मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मसाले को पका लेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आए, अच्छे से पक सके मसाला। तो देख सकते हैं दोस्तों, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। 1 मिनट हो चुकी हैं।
और जो मैंने मूली से पानी निकाल लिया था तो मूली को हम डाल देंगे। और मूली को डालने के बाद में हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है, तो मिक्स भी मैंने कर लिया है, देख सकते हैं। और ये मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। और मसाले को तो दोस्तों मैंने पहले से ही पका लिया था। मूली का थोड़ा सा कच्चापन होता है, वो हमें निकालने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मूली को पका लेंगे, ताकि इससे जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आए पराठे का। और जो मूली में थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि मूली के पराठे बेलने में या बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मूली का जो मसाला है वो भी बिल्कुल चटपटा टेस्टी तैयार होता है। तो ये मैंने आटा पहले से लगा करके रखा था। तो आटा हमें मूली के पराठे हो या आलू के पराठे हो, आटा हमें बिल्कुल सॉफ्टी रखना है, सॉफ्ट लगाना है पराठे के लिए, क्योंकि हम भर्ती टाइम में जब आपका आटा टाइट होता है तो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, और जो आपका मसाला है वो बाहर निकलने लग जाता है जब आप बेलते हो। क्योंकि टाइट आटा रहेगा तो अच्छे से आपका मसाला जो आप बेलोगे तो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी पराठे का जो भी आटा लगाए वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, हार्ड नहीं रखना है। तो हम पराठा हाफ ये मैंने बेल लिया है रोटी की साइज की, तो हम दूसरी भी इसी टाइप से बेलना है, बिल्कुल पतली टाइप का ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल पतला बेल लेंगे। तो ये मैंने दोनों रोटियों को इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली मैंने बेल लिया है। और अब हम भरेंगे इसमें मसाला। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो मनचाहे मसाला भर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठे का। आप चाहे तो डायरेक्ट भी भर सकते हैं, बट आप इस तरीके से भरेंगे तो मसाले का टेस्ट ही अलग आएगा और पराठे भी आपके एक नंबर बनेंगे। और जितना चाहेंगे उतना मसाला इसमें भर सकते हैं। तो मैंने देख सकते हैं अच्छे से मसाला भर दिया है। और दूसरी वाली रोटी को इसके ऊपर रख करके बिल्कुल अच्छे से हम सेट भी कर लेंगे। और ये मैंने कांटा चम्मच लिए, जो कांटा चम्मच से थोड़ी सी हम डिजाइन भी दे देंगे पराठे को, क्योंकि डिजाइनदार पराठा दिखने में भी इतना अच्छा दिखता है तो खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हल्की सी हमें इसको टच करना है, हल्का सा दबा के, क्योंकि ये दोनों परत अच्छे से इसमें सेट भी हो जाएंगे और हमारे पराठे में अच्छी सी डिजाइन भी आ जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से करना बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इससे जो हमारा मसाला है वो भी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और दिखने में भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा पराठा। तो पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है और हल्का सा हम ऊपर से इस तरीके से बेल लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से मसाला इसमें सेट हो जाए। तो ये देख सकते हैं डिजाइन भी बन चुकी है। तो अब हमें तवा पे डालना है। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख रखा था, तो इस पे मैंने डाल दिया है पराठे को। और अब इसको हमें दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है, और सेकने के बाद में ही हम इस पे घी लगाएंगे। तो एक साइड से देख सकते हैं दोस्तों सिक चुका है। तो सिकने के बाद में हम घी का यूज करेंगे। आपके पास में जो भी घी या तेल हो आप उसी का यूज कीजिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पराठा हमारा फूलना स्टार्ट हो चुका है, और इस तरीके से मसाला भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। तो दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है, ये देख सकते हैं, और बिल्कुल फूल चुका है पराठा हमारा, और बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं है बनाने में। तो दोस्तों आप इसी तरीके से बनाएं पराठा। तो ये दोनों साइडों से हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेकेंगे, कच्चा पराठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साइडों से इस तरीके से हल्का सा दबा करके सेक लेते हैं।
तो ये तो हमारा सीख चुका है और बाकी के इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। तो इस पे मैंने डिजाइन नहीं दी है, इसको मैंने सिंपल ही रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं, तो ये भी हमारा फूल चुका है पराठा, देख सकते हैं। आपको जो इजी लगे, जैसा इजी लगे उसी तरीके से आप बनाइए। तो इसको भी हम दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। बट आप इस तरीके से बनाएंगे तो मनचाहे मसाला भर सकते हैं पराठे में, और बिल्कुल भी नहीं आपका मसाला बाहर निकलेगा और पराठे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो पराठे हमारे बनकर के तैयार हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। मूली का देखते ही मन कर रहा है खाने का। और ये दे लीजिए, मसाला भी हमारा कितना अच्छा लग रहा है, तो देखते ही मुँह में पानी आ रहे हैं, खाने का मन कर रहा है पराठे को। तो आप भी इस सर्दियों में ज़रूर इसी ट्रिक से मूली के पराठे ज़रूर घर में बनाएँ। तो मूली के पराठे हमारे तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारे बिल्कुल इजी तरीके से चटपटे मूली के पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।